अब खबरों में आगे बात करते हैं लखनऊ की, जहां पर आज से शुरू हो रही है सिपाही भर्ती परीक्षाएं। यूपी के 67 जिलों में बनाए गए हैं 1174 परीक्षा केंद्र, और जिसमें से 60,244 पदों के लिए निकली भर्ती की ये परीक्षा है, और परीक्षा के लिए कुल 48,17,441 अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे। 28 प्रदेशों से सिपाही भर्ती की परीक्षा देंगे अभ्यर्थी। इसके अलावा पुलिस भर्ती बोर्ड ने तैयारी भी पूरी कर ली है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि इस दौरान 28 प्रदेशों से यहां पर सिपाही भर्ती की परीक्षा देंगे अभ्यर्थी। इसके अलावा आपको बता दें कि पुलिस भर्ती बोर्ड ने तैयारियां भी पूरी कर ली है, और ऐसे में तमाम तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है। तो लखनऊ से बड़ी खबर, जहां पर आज से शुरू हो रही है सिपाही भर्ती परीक्षाएं, और ऐसे में यूपी के 67 जिलों में बनाए गए हैं 1174 परीक्षा केंद्र, यानी कि 1174 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 60,244 पदों के लिए ये भर्ती निकली है, और ऐसे में परीक्षा के लिए कुल 48,17,441 अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे। फिलहाल 28 प्रदेशों से सिपाही भर्ती की परीक्षा देंगे अभ्यर्थी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अश्वनी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अश्वनी, क्योंकि ये भर्ती परीक्षा पहले भी देखा था, पेपर लीक हुआ था, उसके बाद अब कड़ी सुरक्षा के बीच में इस परीक्षा की तैयारी की बात कही जा रही थी, ऐसे में क्या कुछ नजर आ रहा है कि आज जिस तरीके से परीक्षा है, कितने प्रबंध वहां पर किए हुए हैं परीक्षा केंद्रों पर? बिल्कुल, मुख्य उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर कल इंतजाम किए गए हैं। बकायदा डीसीपी खुद पूरी परीक्षा की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एसटीएफ की बात करें या पुलिस महकमा, इस परीक्षा को लेकर अलर्ट है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ साफ और संकेत है कि कहीं पर भी कोई गड़बड़ी हो तो जिम्मेदार अधिकारी तो ध्यान ले जाएंगे, लेकिन जिन लोगों ने गड़बड़ी की होगी वो लोग इस बार बिल्कुल बचने वाले हैं। इसके बाद जब पेपर लीक हुआ था, उसके बाद कहीं ना कहीं उसको सबक लेते हुए इस बार की चुनाव खड़ी की गई है। इसके अलावा अगर बात करें तो जो कॉपियां होते हैं, जो पेपर होते हैं, वो एक निश्चित समय पर ही सेंटर पहुंचेंगे। पूरे उत्तर प्रदेश में 67 जिलों में 1174 परीक्षा केंद्र परीक्षा कराई जाएगी। लखनऊ की 11 केंद्र परीक्षा होने, साथ ही साथ बात करें तो इस परीक्षा में पूरे उत्तर प्रदेश के लोग आएंगे परीक्षा देने के लिए। इस प्रदेश को लेकर के बकायदा तैयारी की लगी, लखनऊ की जगह लखनऊ के 81 केंद्र पर परीक्षा होनी है। 10 बजे से लेकर के 12 तक पहली पाली और तीसरी पाली 2-3 बजे तक टारगेट होगी। इसको लेकर के पुलिस महकमा काफी अलर्ट नजर आ रहा है। जो पुलिस है वो पुराने जो इस पेपर लीक मामले में लोग संलिग्न रहे हैं उन पर निगरानी बढ़ते हुए रखते हुए है। साथ ही साथ जो है पुलिस की गश्ती बढ़ा दी गई, रात भर पुलिस कल और एसटीएफ ने छापेमारी की, कहीं कोई ऐसा कुछ न मिले, इससे परीक्षा पर फिर एक बार ग्रहण लगे। तो इसी तौर पर कहीं लगे एक स्वच्छ परीक्षा कराने के लिए इस बार सरकार को इजाजत कर तैयार है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अश्वनी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, परीक्षा के लिए कुल 48,17,441 अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे, और इस दौरान आपको बता दें कि आज से शुरू हो रही है सिपाही भर्ती परीक्षा। इसको लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारी भी कर ली, और कड़े इंतजाम इस बार किए गए हैं, किसी भी तरीके की कोई चूक ना हो इसका खासा ख्याल रखा गया है, और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर सख्त निर्देश भी दिए थे।